और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस ने महज 15 घंटे के अंदर 3 वर्षीय अपहरित बच्चे को सकुशल बरामद करते हुए 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। बच्चे को छोड़ने की एवज में 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। मुठभेड़ में एक कांस्टेबल दिव्य प्रताप और बदमाश सन्नी घायल हो गया है। दोनों को उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के थाना विजयनगर का ये पूरा मामला है, जहां पर 15 घंटे के अंदर अपहृत बच्चे को मुठभेड़ के बाद में सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस की माने तो अपहरण के लिए 3 वर्षीय बच्चे के घर वालों से अपहरणकर्ताओं ने 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। जैसे ही इसकी जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस ने टीम बनाकर 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार और चोरी की मोटरसाइकिल के अलावा घटना में प्रयुक्त एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है। नहीं, हमको घटना एक्चुअली 3 साल के बच्चे है, मामला है। हम अभी जनपद में अभी भी कई घटनाएं हुआ था, उसे हम बच्चे के मामले में थोड़ा ज्यादा सेंसिटिविटी रहता हम लोग। तुरंत हमने पूरा टीम का लगा दिया, मेरा पास सोचने मिलते तुरंत सेंसिटिविटी हुआ, तुरंत हमने सीसीटीवी पूरे चारों तरफ ढूंढा है और आसपास लड़के के आसपास लोग से भी उन्होंने पड़ोसी का भी सबका प्रोफाइल भी जांच करने के लिए मैंने टीम को बताया था, वो भी जांच से हुआ, सब चीज हुआ और उसके बाद हम लोग काल आना शुरू हुआ तुरंत, इसलिए हम लोग तुरंत हम लोग उनको गिरफ्तार कर लिया।